कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नीतीश आरती ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम भाई के चैनल पे ही आज ब्लॉग कर रहे हैं और देखिए हमारे भाई साहब वगैरह हैं, ये छोड़ के ये मेरी भाई बहन है, तो इसलिए आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। और अंदर हम लोग विजिट कर रहे हैं और घर को दिखा रहे हैं कि घर कैसा है, नहीं है। भाई साहब वगैरह आए हुए हैं घर देखने के लिए, तो आप लोग भी कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि घर कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा और कितना खर्च। और साथ में नीतीश भाई भी आए हुए हैं, नीतीश आरती ब्लॉग्स, इनका भी चैनल है, इन पर भी आप लोग विजिट करिएगा। इधर देखिए, इधर सेटिंग लग रहा है, अभी यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं कैसा है ना, एकदम भूत बंगला की तरह लग रहा है। अभी भूत बंगला लग रहा है, बाद में ताजमहल लगेगा। नहीं नहीं यार, ताजमहल नहीं बनाता, ज्यादा नहीं, छोटे सा घर है। और उधर भी है, उधर भी आप थोड़ा दिखा दीजिए, फ्रंट पे ये दोनों रूम हो गया, इधर भी है, ये भी आपका एक रूम हो गया और एक इधर रूम हो गया है ना। बात ऐसा हो गया, बात ऐसा हो गया था कि देखिए यहाँ जो जैसे कि गांव है ये, है ना, तो गांव अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि गांव में होता क्या है कि यानी कि चूल्हा चौका बर्तन ये सब होता है, इसलिए जो है ना इधर से फ्रंट से एक और रूम निकाल रहे हैं, पाँच हो गया रूम लगा के, और सीढ़ी लगा के छे, और हमारा कोशिश रहेगा कि ऊपर भी बनाएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो इसलिए खैर यहाँ सीढ़ी है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है। और आप लोग को हमारा घर कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा, और जब बन जाएगा घर, वैसे तो राजा भाई वगैरह आते ही रहते हैं, जब बन जाएगा घर और बेस्ट रहेगा ना रुपये। और ये घर जो है ना हम ही बना रहे हैं इनके जिद के कारण, अभी घर बनाने उतना जरूरी नहीं था, बट हो जाता नहीं कि सब्सक्राइबर वगैरह आते हैं, खास तौर पर यही समझिए कि सब्सक्राइबर जो हमारे भाई हैं हम लोग घर बनाए उन्हीं लोग के लिए, क्योंकि उन लोग को दिक्कत ना हो जो भी आते हैं भाई लोग, बस है ना। तो चलिए इधर भी आप देख लिए घर राजा भाई। हाँ वगैरह, अच्छा एक बात बताइए कितना खर्चा हुआ है? अभी तक बहुत कर्जा बहुत है, अभी घर बनाने में हमको इतना कर्जा हो गया कि मत पूछे भाई लोग, अभी बनिए रहा, अभी इसमें देखिए घर और बर जो करता ना लोग, जितने लगाइए उतने लगता है, इसमें जितना लगाइएगा उतना लगेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना बचेगा कितना लगेगा। अरे वो ढालने में भी जो है ना, वो ढालने में भी 3 बोरा सीमेंट लग गया, बताइए सीमेंट सीधे 1000 का सीमेंट लग गया, कुल मिला को सिम 10000 का खर्चा है। आपको लास्ट में हम पूरा बता देंगे क्योंकि सामान तो मेरे यहाँ से ही आता है, आपको बढ़िया चीज दिख बता देंगे। सही बात है, चलिए ऑडियंस को बता रहे हैं, जानते हैं, सही बात है, राजा भाई के ही दुकान से सब कुछ आता है, ये जितना भी मटेरियल है सब कुछ इन्हीं के दुकान से आता है, इसलिए जानते ही होंगे। नीचे में पूरा रूम 6 रूम है ना, ऊपर में भी 6 रूम बनेगा, ऊपर भी 6, मतलब मोटा पैसा कमा रहे हैं आप। हम ये भी कहेंगे कि नहीं, देखिए पहले से बेहतर है लाइफ, पहले जो हमने जैसे कि जो स्टॉक में बताया था उस टाइम की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब था, अभी बेस्ट है। अरे एक इंसान के लिए रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी हो, इससे ज्यादा इंसान को क्या जरूरत है, काफी इतना ही रहे बस काफी है मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए। तो चलिए इधर भी आप दिखाइए, चलिए जो भी आता है उसको यार कोई भी चीज से दिक्कत नहीं हो, अरे मतलब किचन बाथरूम लेटरिन सब बना देंगे, समझे, किचन इसलिए बना देंगे कि बहुत सब्सक्राइबर हमारे भाई है कि 10-10 दिन रहते है ना, तो इधर रहा जाएगा मस्ती में, यार कोई चीज का दिक्कत नहीं भाई को, है ना, कहीं ना कहीं कोई दूर से आते हैं तो उसका स्वागत करना कतन, सही बात है ना, तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि सब खुश रहे, सब हैप्पी रहे, और ऐसा किसी को महसूस ना हो कि रुकतरा ब्लॉग्स के घर गए थे और हम लोग का स्वागत नहीं हुआ, खाने के लिए नहीं दिए, इसलिए आप लोग के लिए सारा कुछ व्यवस्था ये टूटने के बाद एकदम बहुत अच्छा बन जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ अरेंज कर लेंगे, धीरे धीरे देखिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पैसा फरता है, धीरे धीरे अभी आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको कर्जा भी हो गया है, कर्जा ले ले काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कमाएंगे चुका देंगे, मस्त है जो भी है, लेकिन हम ही कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आप लोग भाई देखिए घर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, हालांकि अभी तो घर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब घर बन जाएगा तब ना पता चलेगा घर कैसा है, कैसा बन रहा है ना, हालांकि बेहतर बन जाएगा तो बेहतर क्या, वहाँ जो है ना वो उस पर शीशा लगाएंगे और वहाँ जो है ना LED टाइप का लगाएंगे रूप पर हम लोग, सब कुछ अरेंज हुआ है, बस धीरे धीरे काम चल रहा है ना।
तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और भाई ने आपको घर दिखाया और भाई सब आते जाते रहते हैं दोनों चैनल। आप लोग कमेंट में बताएगा मेरा छोटा सा घर कैसा लगा आप लोग। और ये आरती नीतीश ब्लॉग जो है नीतीश आरती ब्लॉग, तो ये तो 24 घंटा साथ में ही रहते हैं हमारा। और राजा भाई भी 24 घंटा रहते हैं, हालांकि आजकल कब रहते हैं ये हम लोग साथ रहते हैं, हम तो पटना रहते हैं ना। आई अभी हो क्या गया कि राजा भाई नीतीश चल गए हैं पटना, नीतीश भाई संग ही रहते हैं। अगर कुछ भी काम हो कहीं भी जाना हो तो हम नीतीश भाई के साथ ही जाते हैं। तो इसलिए भाई का चैनल है, आप लोग जाके लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, लव यू। आप लोग को बोले थे 12 तारीख को मिलेंगे लेकिन आज मिल गए फिर से क्योंकि पूजा में हम लोग साथ थे ना आज। पूजा ये भी कहते नीतीश भाई को राजा भाई को, यार ये भी इन्हीं का घर है, ऐसा नहीं हम में और इसमें आज तक कभी अंतर दिखा नहीं कुछ भी अंतर। हम जब कुछ नहीं थे, जीरो के जीरो थे, तभी लोग मेरे साथ ही रहा करते थे, आज भी रहते हैं, है ना। इसीलिए हम तो हर एक दिन बुलाते हैं यार आते रहो, लेकिन यही लोग नहीं आते तो दूर है ना, इसीलिए आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है इसीलिए नहीं आते हैं। बहुत जल्दी समझिए बेबी भी आने वाला है ना, तो बहुत मजा आएगा। चलिए सो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, और बेबी भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसका भी ब्लॉग आप लोग को मिलेगा। और हम लोग सोचे हैं जब बाबू होगा ना तो प्रोग्राम करवाने का, बम्पर सब कुछ होगा, सब कुछ बहुत मजा आएगा। और लास्ट में आप लोग को बता देते, जिस हिसाब से सामान लग रहा है ना इसमें, तो हम बताए कितना का लग रहा है बता दे, बता दीजिए पूरा खर्चा ना कम से कम 2 करोड़ का होगा भाई। बाप रे, इधर और ये ऊपर भी रूम बनेगा ना, तो हम हमको तो लग रहा है मिनिमम कम से कम 2 करोड़ तो जाएगा ही भाई पक्का जाएगा। अरे नहीं नहीं, चलिए सब आप लोग का आशीर्वाद है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लव यू टाटा बाय। तो आप लोगों को पूरा फुल ऑलरेडी विकास भैया का घर तो आप लोगों को अंदर जाके दिखा दिए, और क्या कितना खर्चा होगा सारा चीज बता दिए। तो फिर ब्लॉग को यहीं से हम लोग खत्म करते हैं, और लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा आप लोग। हाँ तो ठीक है भाई, बाय बाय, चलिए।